अमेजोन से पहली बार फ्रिज जैसी बड़ी अप्लायंस मैंने ऑर्डर करी है और आज की वीडियो में सैमसंग के इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर पे पूरा डिटेल्ड रिव्यू आप लोगों को मैं दूंगा और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने पुराने फ्रिज को एक्सचेंज ऑफर में देके काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट पा सकते हैं। अमेजोन से 2 दिन के अंदर ये फ्रिज मेरे घर तक पहुंच गया। इनिशियली मैंने 12 से 8 के बीच में टाइम सेट करा था, लेकिन फील्ड एग्जीक्यूटिव ने मुझे पहले ही कॉल करके पूछा कि क्या मैं 12 बजे से पहले डिलीवरी रिसीव करना चाहूँगा, तो सुबह 9 बजे इन लोगों ने मुझे रेफ्रिजरेटर को डिलीवर कर दिया, जिसकी वीडियो आप लोग अभी देख रहे हैं। फ्रिज का बॉक्स बहुत ही अच्छी कंडीशन में था, कहीं से बिल्कुल भी डैमेज नहीं था, मैन्युफैक्चरिंग डेट भी काफ़ी फ्रेश थी, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी इनकी। डबल डोर फ्रिज होने के कारण इसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए सीलिंग फैन को ऑफ करके इसको अनबॉक्स करना पड़ा था। फ्रिज की आउटर साइड पे बिल्कुल भी स्क्रैचेस नहीं थे, एकदम प्रिस्टीन कंडीशन में इसको डिलीवर करा गया। फ्रिज के फ्रंट पे प्यारी प्यारी बातें लिखी है कंपनी की तरफ से और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के लिए स्टार रेटिंग का स्टिकर भी लगा हुआ है सरकार का। साइड्स पे सेटिन फिनिश का पेंट यूज़ करा गया, जिससे काफ़ी प्रीमियम लगता है, और बैक साइड पे इस तरीके का पैटर्न बना हुआ है गैल्वनाइज शीट में। नीचे की साइड इसका कंप्रेसर भी दिख जाता है, जिसके ऊपर कंडेंसेशन के लिए ट्रे लगाई गई है। मेरे पुराने फ्रिज में ट्रे राइट साइड में होती थी कंप्रेसर के। ऑफ द कैमरा थर्मोकोल पे से फ्रिज को उतार के कोने में सरका देते हैं, लेकिन पूरी तरीके से सरकाने से पहले इसकी पावर कॉर्ड को भी निकाल लेते हैं। इसमें 5 एम्पियर का प्लग लगा हुआ है, जो कि मोर देन इनफ है इसकी पावर कंजम्पशन के हिसाब से। इसकी पावर कॉर्ड की लेंथ थोड़ी कम है, तो इसलिए टेम्परेरीली इसे प्लग इन करके चालू करके देख लिया। प्रॉपरली इंस्टॉल इसको थोड़ी देर में करते हैं, लेकिन उससे पहले सारे प्रोटेक्टिव टेप्स हटाना ज़रूरी है इसकी ट्रेस पे से। मैंने पहली बार किसी भी नए रेफ्रिजरेटर को इतनी अच्छी कंडीशन में रिसीव करा है। इससे पहले जो 2 फ्रिजेस मैंने परचेज करे थे शॉप से, वो हमेशा डेमो यूनिट ही आई थी मेरे पास। वीडियो में अभी थोड़ी देर में मैं आपको बता भी दूंगा कि किस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि जो फ्रिज आपने परचेज करा है वो फ्रेश पीस है या डेमो यूनिट की तरह यूज़ करा गया है। वेजिटेबल बास्केट के अंदर इंस्ट्रक्शंस मैनुअल के साथ इंस्टॉलेशन के लिए भी पैम्पलेट मिल जाता है, इसको भी मैं दिखा दूंगा वीडियो में, इनकेस आपको इससे हेल्प मिले। फ्रिज नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान हल्की फुल्की साउंड कर सकता है, उन सारी साउंड्स को इस पैम्पलेट में कंपनी ने डिस्क्राइब करा है, ताकि लोग ये ना सोचे कि उनके फ्रिज में कोई फॉल्ट है। इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस के साथ ये बेसिक इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है फ्रिज के बारे में। इसके डायग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस आपके फ्रिज के मॉडल के हिसाब से डिफर कर सकते हैं। कंपनी ने काफ़ी अच्छे से इसकी ट्रेस को पैक करा हुआ है, ताकि शिपिंग के दौरान इस पर स्क्रैचेस ना पड़े। इसको मूवेबल आइस मेकर का नाम दिया गया है, इसमें ऊपर आइस ट्रे है, नीचे के साइड भी एक और ट्रे दी गई है। बर्फ़ जमा के जब आप इसका जो लेवर है इसको ट्विस्ट करेंगे, तो आइस क्यूब्स ऊपर ट्रे में से निकल के नीचे आ जाएगी। ये एक्चुअली कितना अच्छे से काम करता है इसको थोड़ी देर में हम देखेंगे। फिलहाल इसे फ्रीजर में रख के छोड़ देते हैं, और फ्रीज़र के अंदर भी जो ट्रे दी गई है उस पे से प्रोटेक्टिव टेप हटाना मत भूलना। फ्रिज के अंदर की जो ग्लास शेल्स हैं उनके कॉर्नर्स पे भी प्लास्टिक की प्रोटेक्टिव कैप्स लगी हुई होंगी, उनको भी हटा लेंगे। ये सामान ऑलरेडी ठंडा था, पुराने फ्रिज में रखा हुआ था, इसलिए कुछ आइटम्स को फ्रिज में मैं अभी रख दूंगा बिना चलाए, नहीं तो टेम्परेचर चेंज के कारण इनके फ्रेशनेस और टेस्ट में फ़र्क आ सकता है। क्योंकि फ्रिज की छोटी पावर कॉर्ड के कारण इसको चलाने के लिए मुझे वॉल सॉकेट की लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। ये वॉल सॉकेट पुराने फ्रिज की लोकेशन के हिसाब से लगा हुआ था, इसलिए इसके स्क्रूज खोल के नई लोकेशन मार्क करके वॉल में दोबारा ड्रिल करके स्क्रूज कस के फिर दोबारा इसको मैं माउंट कर लूँगा। सैमसंग की तरफ से टेक्नीशियन जो आएंगे आपके फ्रिज को इंस्टॉल करने के लिए, वो ये सब काम नहीं करेंगे, वो सिर्फ फ्रिज को अनपैक करके इसका प्लग सॉकेट में प्लग इन करके इसे चालू कर देंगे और थोड़ी बहुत जानकारी आपको इस फ्रिज के बारे में दे देंगे। इस तरह के काम आपको अपने इलेक्ट्रिशियन या पेंटर से करवाने पड़ेंगे। ज़्यादातर लोग सॉकेट को प्रॉपरली माउंट करने के बजाय कोई एक्सटेंशन कॉर्ड का यूज़ करना ज़्यादा पसंद करेंगे, लेकिन सैमसंग ने ऐसा करने को मना करा है, क्योंकि एक्सटेंशन कॉर्ड्स में स्पार्किंग का रिस्क रहता है। सॉकेट्स के अंदर स्क्रूज़ को अच्छे से चेक कर लिया, ताकि कहीं भी लूज़ कनेक्शन ना हो, और फाइनली इसको भी लगा दें दीवार पर। अब इसके पेच कस लेते हैं, अब बस फ्रिज के प्लग को इसमें लगा के स्विच ऑन करते हैं। जब पीछे से फ्रिज ऑन होता है तो सारे LEDs एक साथ जलती है, और फिर बाद में जो टेम्परेचर सेट होता है LEDs उसको इंडिकेट करती हैं। अब फ्रिज को इंस्टॉल करने का काम हो गया पूरा, तो इसको इसकी फाइनल लोकेशन पे सेट करके इसकी जो फीट है उसकी हाइट भी एडजस्ट कर लेंगे, ताकि ये हिले डुले ना बिल्कुल भी, और चारों तरफ से बिल्कुल बराबर टिके। वैसे तो ये काम हाथ से हो जाएगा, लेकिन अगर हाथ से ना पाए तो एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर की मदद से भी आप ये काम कर सकते हैं। फ्रिज में पूरी तरीके से सामान लगाने से पहले उसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, और इतने उसकी पैकेजिंग को समेट के अंदर रख लेते हैं। शिफ्टिंग के दौरान ये फ्रिज को सेफली ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेगी। और जहाँ से मैंने वॉल सॉकेट खोला था वहाँ से दीवार भी काफ़ी ख़राब हो रही थी, तो इस टाइम को यूज़ करने के लिए इसको भी मैं रिपेयर कर लूँगा वॉल पुट्टी की मदद से।
फुटेज अच्छे से सूखने के बाद इसको पेंट भी कर लिया है। वैसे फुटेज अगले दिन की है, लेकिन आप लोगों को तो अभी देखने को मिल गई। ऑफ द कैमरा फ्रिज में सारा सामान ऑलरेडी लगा दिया है। इसकी शेल्फ्स का साइज परफेक्ट है, सारा सामान इजीली आ जाता है। बाकी आप अपने सामान के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं शेल्फ्स को, ताकि ज़्यादा इजीली सामान आ पाए। और ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है प्लास्टिक्स की और इन शेल्फ्स की, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है मेरे पुराने फ्रिज के कंपेरिजन में। नीचे की तरफ वेजिटेबल बास्केट दी गई है और ये भी काफ़ी स्मूथली अंदर बाहर हो जाती है। जो भी ब्रांड न्यू फ्रिज आप लेंगे, उसकी वेजिटेबल बास्केट के नीचे बिल्कुल भी स्क्रैचेस नहीं होने चाहिए। इनकेस स्क्रैचेस हैं तो जो फ्रिज आपको मिला है वो एक डेमो यूनिट है। नीचे की तरफ मॉइस्ट फ्रेश जोन लिखा हुआ है, बेसिकली एक फिल्टर है और ये वेजिटेबल्स का जो मॉइस्चर है उसको कंट्रोल करता है, जिससे फ्रिज के अंदर वो लंबी चलती है। वेजिटेबल्स को अगर आप वेजिटेबल बास्केट में लगाएं और बाकी जो आपका सामान है उनको बीच में लगाएं, डेयरी प्रोडक्ट्स को चिलर में रखें और हल्का फुल्का सामान डोर की शेल्फ्स में आ सकता है। बैक साइड में डिओडोराइजिंग फिल्टर भी लगा हुआ है, जिसके थ्रू इसके जो फैंस हैं एयर सर्कुलेट करते हैं, इससे फ्रिज में स्मेल नहीं आती है। वैसे तो आप किसी भी फ्रिज को अगर अच्छे से साफ रखेंगे तो इस तरह के कोई भी इश्यूज आपको नहीं आएंगे। फ्रिज के साथ ही साथ मैंने बोरोसिल के एयरटाइट कंटेनर्स भी मंगा लिए हैं। फिलिप्स के OTG के जो रिव्यू की वीडियो थी उसमें भी मैंने इसी तरह के कंटेनर्स की अनबॉक्सिंग करी थी, लेकिन उनका साइज छोटा था। वो बटर और चीज़ को स्टोर करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ। इनमें सिलिकॉन की गैस्केट लगी होती है, जिसके कारण ये पूरे तरीके से एयर टाइट होते हैं। इनमें जो भी चीज़ें आप स्टोर करेंगे उसमें फ्रेशनेस ज़्यादा समय तक बनी रहेगी। कोरिएंडर, ग्रीन चिलीज, जिंजर और लेमन्स को स्टोर करने के लिए ये कंटेनर्स आइडियल है। इन कंटेनर्स के परचेज लिंक्स भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इन्हीं कंटेनर्स को आप ओवन में भी यूज़ कर सकते हैं और फ्रीज़र में भी इनको सेफली यूज़ करा जा सकता है, क्योंकि प्योर बोरोसिलिकेट ग्लास के बने हैं। इससे फ्रोजन फूड्स में जो फ्रीज़र बर्न होने के चांसेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। टॉप शेल्फ को आप इजीली आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं। जो सामान आपको फ्रीक्वेंटली रखना निकालना होता है उसको आप इस पर रख सकते हैं। टेम्पर्ड ग्लास के कारण सारी शेल्फ्स काफ़ी प्रीमियम लगती है और छोटा सामान भी आप इन पर रख सकते हैं इजीली, लुढ़कने का डर नहीं रहता। ऊपर के साइड जो चिल्टर है उसको फ्रेश रूम का नाम दिया है कंपनी ने, और आइडियली सारे डेयरी प्रोडक्ट्स आपको इसमें स्टोर करने चाहिए। सारे चीज़ स्प्रेड्स, स्लाइसेस और चीज़ ब्लॉक्स मैं इसी में स्टोर करता हूँ। बटर और मिल्क भी मैं इसी में रखना पसंद करता हूँ। मिल्क को आगे साइड रखना इसलिए अच्छा रहता है क्योंकि उसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एक्सेस करना पड़ता है। चीज़ तो फिर भी रोज़ काम नहीं आता है। बस जो भी सामान आप इस चिल ट्रे में रखें इस तरीके से रखें कि जो वेंटिलेशन के होल्स हैं वो ब्लॉक ना हो, नहीं तो उससे फ्रिज की कूलिंग पे फ़र्क पड़ सकता है। टॉप साइड में इसमें सिंगल LED लाइटिंग दी गई है जो कि प्योर वाइट है कलर में और रात को काफ़ी अच्छे से फ्रिज को इल्यूमिनेट करती है। अगर आप डोर को ज़्यादा देर खोले रखते हैं तो एक हल्का सा ऑडिबल अलार्म भी इसमें बजता है, जो इसकी लाइट है ये भी ब्लिंक करने लगती है, ये रिमाइंड कराने के लिए कि आपको दरवाज़ा जल्दी से बंद कर देना चाहिए। लेकिन मुझे वीडियो बनानी थी इसलिए बहुत देर तक मैंने दरवाज़ा इसका खोल के रखा था। डोर में आपको ये सारी शेल्फ्स मिलती हैं। टॉप साइड में टॉल वाटर बॉटल के लिए शेल्फ है, उसके नीचे एग्स और बटर के लिए थोड़ी सी स्टोरेज है और सबसे नीचे थोड़ी सी पतली शेल्फ है सॉसेज और केचप्स के लिए। एग्स रखने के लिए इसमें काफ़ी सारी जगह है, तो मैंने तो एक साइड में इसमें एग्स रखे हैं और दूसरे साइड में बटर रख दिया है। इसकी एक्ट्रे का डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा, तो एग्स के अलावा आप और भी चीज़ें इसमें रख सकते हैं। 2 लीटर कोक की जो वाटर बॉटल्स होती है वो आप इसमें नहीं रख पाएंगे, इसकी हाइट इतनी नहीं है। वैसे तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक बॉटल्स को रीयूज़ करना अच्छा नहीं होता है। फ्रीज़र में काफ़ी अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाता है, जिसमें सारा फ्रोज़न फूड और आइसक्रीम्स रख सकते हैं। दरवाजे में भी 2 शेल्फ आपको मिल जाती हैं। कोई भी फ्रोज़न फूड्स के बंद पैकेट ही आप एज इट इज़ फ्रीज़र में रखें, खोलने के बाद उनको प्रॉपर कंटेनर्स में रखना ज़रूरी होता है, नहीं तो फ्रीज़र बर्न हो जाता है। फ्रीज़र में किसी भी तरह की LED लाइटिंग नहीं दी गई है। अभी साइस मेकर को भी चेक कर लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। इसकी आइस ट्रेज में पानी डालना तो थोड़ा सा ट्रिकी है, पानी भरते वक्त इसको ओवरफिल मत करना, नहीं तो बर्फ़ टूट के नीचे नहीं गिरेगी, ऊपर ही चिपकी रह जाएगी। 4 घंटे बाद बर्फ़ पूरी तरीके से जम चुकी है, क्योंकि मैंने सुपर फ्रीज का मोड ऑन कर रखा था। अभी नीचे वाली ट्रे खाली है और इसके लेवर को ट्विस्ट करके आइस क्यूब्स को हम नीचे गिरा लेंगे और आप देख सकते हैं कि ये सही से काम करता है। बस इसको ओवरफिल मत करना, नॉर्मली फिल करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें बार बार बर्फ़ जमा के ऐसे ही नीचे कलेक्ट कर सकते हैं। पहले जो फ्रिज में ट्रे रखी रहती थी उसकी बर्फ़ कम पड़ती थी, तो अलग से बर्तन में बर्फ़ जमानी पड़ती थी, लेकिन इससे मुझे उम्मीद है बर्फ़ की कमी नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें काफ़ी सारी बर्फ़ आ जाती है। अब क्योंकि इस फ्रिज में आपको कन्वर्टेबल फ्रीज़र का भी ऑप्शन मिलता है, तो उस मोड को एक्टिवेट करने के लिए फ्रीज़र फ्रिज का जो बटन है उसको 3 सेकंड्स के लिए जब आप प्रेस करेंगे तो ये मोड एक्टिवेट हो जाएगा और जो भी सामान आप फ्रिज में रखते हैं उसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। बस ये मोड ऑन करने से पहले इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी सामान जिसको फ्रीज़र की रिक्वायरमेंट होती है वो फ्रीज़र में ना हो, नहीं तो टेम्परेचर चेंज के कारण वो ख़राब हो जाएगा।
ऊपर के शेल्फ में 4 से 5 जार्स इजीली आ सकते हैं, लेकिन नीचे के शेल्फ में थोड़ी सी कम जगह मिलती है, तो कोई भी जार्स आप इसमें नहीं रख पाएंगे, लेकिन फ्रोजन फूड्स के जो पैकेट्स होते हैं वो आराम से आ जाएंगे। कन्वर्टर फ्रीज़र का मोड ऑफ करने के लिए दोबारा से 3 सेकंड्स के लिए इसका बटन दबाएंगे तो ये मोड ऑफ हो जाएगा। पावर फ्रीज़ का मोड ऑन करने के लिए पावर फ्रीज़ का बटन को भी सेम तरीके से आप प्रेस करेंगे तो ये मोड भी ऑन हो जाएगा, इससे कूलिंग बढ़ जाती है फ्रीज़र में। और पावर कूल का बटन दबाने से पावर कूल का मोड ऑन हो जाता है जिससे फ्रिज में कूलिंग बढ़ जाती है। बाकी आप फ्रिज का और फ्रीज़र का टेम्परेचर भी अलग अलग सेट कर सकते हैं। इनकेस आपने कन्वर्टर फ्रीज़र का मोड ऑन कर रखा है तो एक ही टेम्परेचर चलेगा दोनों कंपार्टमेंट्स में। एक मल्टीमीटर की मदद से मैंने इसका टेम्परेचर भी मेजर करा था और जितना टेम्परेचर मैंने सेट करा था फ्रिज पे उतना ही कंपार्टमेंट्स के अंदर भी था, बल्कि उससे 1-8 डिग्री ठंडा ही था। तो इससे पता चलता है कि फ्रिज अपना पूरी तरीके से काम कर रहा है और टेम्परेचर सेटिंग इसकी पूरी एक्यूरेट है। डबल डोर के जो फ्रिजेज होते हैं वो डायरेक्ट कूल फ्रिजेज के मुकाबले काफ़ी बेहतर होते हैं क्योंकि ये एक्चुअली सामान को ठंडा करते हैं, ऊपर बर्फ़ नहीं जमाते सिर्फ फ्रीज़र में। इसको सरकार की तरफ से 3 स्टार्स की रेटिंग मिली हुई है और एनुअली 195 यूनिट्स इसको कंज्यूम करनी चाहिए। ये इनका सरकारी पैमाना होता है और हर साल इस रेटिंग को रिवाइज करा जाता है। मैंने इसकी एक्चुअल पावर कंजम्पशन एक पावर मीटर की मदद से भी मेजर करी थी और इसमें ये पाया कि जब इसका कंप्रेसर ऑफ होता है तो ये 1 से 2 वाट्स के करीब लेता है, जब हल्के लोड्स पे कंप्रेसर चल रहा होता है तो 30-40 वाट्स लेता है और लोड के हिसाब से ये अपनी जो कंजम्पशन है कम ज़्यादा करता रहता है। क्योंकि इस फ्रिज में जो कंप्रेसर है डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे चलता है तो इसकी जो पावर कंजम्पशन होती है काफ़ी वेरिएबल रहती है, जैसे कि सीलिंग फैन होता है मंदा तेज़ हो जाता है कमरे में, उस तरीके से ही ये कंप्रेसर भी फंक्शन करता है। पुराने फ्रिजेज में कंप्रेसर या तो ऑन होते थे या ऑफ होते थे, इस तरीके से वेरिएबल उनकी स्पीड्स नहीं होती थी। इस कारण से जो मॉडर्न फ्रिजेज हैं ये काफ़ी ज़्यादा बिजली सेव करते हैं और बल्कि इन्वर्टर से भी चल जाते हैं, इतनी कम पावर कंज्यूम करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पावर जो ये फ्रिज कंज्यूम करता है वो सिर्फ 90 वॉट्स है और ये पावर इतनी कम है कि कंप्यूटर UPS पे भी ये फ्रिज चल सकता है। और वैसे भी जब इसका कंप्रेसर ऑन या ऑफ होता है तो झटके से पावर नहीं खींचता, ग्रेजुअली पावर खींचता है। इस कारण से ये इन्वर्टर के साथ पूरी तरीके से कंपैटिबल है और इसमें किसी भी तरह के स्टेबलाइजर की भी ज़रूरत नहीं होती है। कंपनी ने स्पेसिफिकली क्लेम करा है कि किसी भी तरह का स्टेबलाइजर की इसको ज़रूरत नहीं है, 100 से 300 वोल्ट्स के बीच में ये अपने आप वोल्टेज को मॉनिटर करके एडजस्ट करके अपने आप को चला सकता है। बस ये जो स्टार रेटिंग का स्टिकर होता है पेपर का बना होता है और बहुत ही घटिया ग्लू इसमें यूज़ करी होती है, बहुत ही बुरी तरीके से फ्रिज पे चिपक जाती है। तो नए फ्रिज पे अगर आप इसे स्टिकर को हटाना चाहते हैं तो काफ़ी एफर्ट लगेगा आपको, डीजल की मदद से इसका जो ग्लू है उसको साफ करना पड़ेगा। अगर इसके फिजिकल साइज़ की बात करें तो इसकी चौड़ाई 22 इंचेस की है, गहराई 25 इंचेस के करीब है और ऊंचाई 61 इंचेस के करीब है। इससे ज़्यादा कैपेसिटी का अगर आप फ्रिज लेंगे तो उसकी चौड़ाई और गहराई बढ़ती जाएगी, ऊंचाई में लगभग सारे ही फ्रिजेज इतनी ही हाइट के होते हैं। अब इस फ्रिज के अगर रिव्यू की बात करें तो कूलिंग में इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। इसमें कूलिंग के लिए डबल फैंस लगे हुए हैं तो जब आप पावर कूल का या पावर फ्रीज का मोड ऑन करते हैं वो एयर को काफ़ी अच्छे से सर्कुलेट करते हैं जिससे फ्रिज में सामान जल्दी ठंडा होता है। अगर आप ये मोड्स ऑन नहीं भी करते हैं तब भी ये फैंस ऑटोमेटिकली काम करते रहते हैं और टेम्परेचर के हिसाब से ऑन ऑफ होकर एयर को सर्कुलेट करते हैं। आज तक इससे ज़्यादा कूलिंग मैंने किसी भी फ्रिज में नहीं देखी, जो भी सामान इसमें रखा होता है काफ़ी अच्छे से मेंटेन करता है और उसकी फ्रेशनेस लंबे समय तक बनी रहती है। बल्कि इससे पहले जो मेरे पास फ्रिज था सैमसंग का ही था लेकिन उसकी कूलिंग बहुत ही पुअर थी। अब मुझे ये नहीं पता कि डायरेक्ट कूल जो फ्रिजेस होते हैं उनकी कूलिंग ऐसी ही होती है कि नहीं, लेकिन जो फ्रॉस्ट फ्री फ्रिजेस होते हैं इनकी कूलिंग तो डेफिनेटली उनसे बेटर ही होगी। इसकी साइड्स और टॉप भी बहुत ही हल्की फुल्की ही गर्म होती है चलने में, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती, मेरे पुराने फ्रिज की काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती थी। और रात को भी जब इसका कंप्रेसर चलता है ज़्यादा साउंड इसमें नहीं आती, तो अगर शांत से शांत जगह भी आप इसको लगाओगे ज़्यादा आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं महसूस होगा इसके कंप्रेसर की साउंड के कारण। और वैसे भी इसके जो कंप्रेसर की साउंड है थोड़ी सी टेम्परेचर के हिसाब से कम ज़्यादा होती रहती है क्योंकि इसमें डिजिटल इन्वर्टर वाला कंप्रेसर लगा हुआ है, इस कारण से उसकी स्पीड मंदी तेज़ होती रहती है, लेकिन हार्डली आपका इसकी साउंड पे ध्यान जाएगा और झटके से जो कटक करके ऑन ऑफ होता था कंप्रेसर वो तो इसमें नहीं पता चलता बिल्कुल भी। इस फ्रिज की बिल्ड क्वालिटी, अंदर के जो ट्रेस की प्लास्टिक्स है और जो डिज़ाइन है बहुत ही परफेक्टली कंपनी ने इसे बनाया है और कहीं भी बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं होती है। और जो भी मेन्यू ऑप्शंस इन्होंने दिए हैं बिल्कुल सही से काम करते हैं, टेम्परेचर भी ये एक्यूरेटली मेंटेन करता है। अगर कमियों की बात करें तो एक कमी तो मुझे ये लगी कि फ्रीज़र में किसी भी तरह की लाइटिंग नहीं दी गई है। अब हो सकता है कुछ लोगों को रात को आइसक्रीम चुराने में इससे मदद मिले, और इस फ्रिज में किसी भी तरीके का आपको लॉकिंग मैकेनिज्म नहीं मिलता है,
यानी कि कोई भी चाइल्ड लॉक नहीं है इसमें। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर हो, लेकिन मैंने आज तक अपने फ्रिजेस पे लॉक नहीं लगाया तो इसलिए मुझे इसकी ज़्यादा कमी महसूस नहीं हुई। एक और कमी जो मुझे लगी वो है इसकी वारंटी को लेके। कंपनी ने भले ही 10 साल की वारंटी कंप्रेसर पे दी है, लेकिन पूरे फ्रिज पे सिर्फ एक ही साल की वारंटी मिलती है और मेरे हिसाब से काफ़ी कम है, क्योंकि जब इतनी अच्छी क्वालिटी का कंपनी ने फ्रिज बनाया तो उसके हिसाब से वारंटी भी देनी चाहिए। कंप्रेसर जैसी चीज़ तो रेयरली ही ख़राब होती है फ्रिज में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट आते हैं वो है पीसीबी में, और पीसीबी पे भी कंपनी ने एक ही साल की वारंटी दी है क्योंकि पूरे फ्रिज को ही एक साल की वारंटी में कंपनी ने कवर करा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी को इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो बाकी अप्लायंसेस में कंपनी 2 से 3 साल की वारंटी देती है, इतने अच्छे फ्रिज में भी इन्होंने 1 साल की वारंटी दी है, तो ये थोड़ी सी अजीब सी बात है कंपनी की तरफ से। अगर सैमसंग की अप्लायंसेस की सर्विस की क्वालिटी की बात करें तो पास्ट में मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ। इससे पिछला जो फ्रिज था प्रॉपरली वो रिपेयर कर जाते थे और रेयरली ही उसमें कोई खराबी आई थी। सैमसंग की वॉशिंग मशीन भी है मेरे पास, उसमें भी सर्विस की जो क्वालिटी है मुझे पसंद आई, लेकिन वो वॉशिंग मशीन ही मुझे काफ़ी बेकार लगी क्योंकि उसमें रोलर और ख़राब होने का चक्कर रहता है। थोड़ी सी पुअरली डिज़ाइंड है वो वॉशिंग मशीन, क्योंकि उसमें मोटर भी काफ़ी कम वॉट के लगा रखी है, जिसके कारण वो कपड़ों को ना तो ढंग से साफ करती है और ना ही ढंग से सुखाती है। लेकिन एटलीस्ट अप्लायंसेस के मामले में तो इनकी सर्विस अच्छी है। अगर सैमसंग मोबाइल्स की सर्विसिंग की बात करें तो 19,000 के मोबाइल के वो 17,000 तो रिपेयरिंग कॉस्ट बताते हैं, और सिर्फ बैटरी बदलने के बजाय वो पूरा ही मोबाइल को कहते हैं कि एक एक पार्ट हम बदलेंगे। उनके कॉल सेंटर पे भी जो मैंने बात करी थी उस पे भी मुझे कोई रेजोल्यूशन नहीं मिला था। तो सैमसंग के मोबाइल फ़ोन्स तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन फ्रेंचाइज स्टोर्स होने के कारण वो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग कर रहे हैं और कस्टमर के पास ज़्यादा कोई रिपेयरिंग का ऑप्शन नहीं बचता है। अब फाइनली बात करें कीमत की, तो अमेज़ॉन से ये प्रोडक्ट मुझे 25,000 रुपये के आसपास का मिल गया था। करंट प्राइसेस चेक करने के लिए या इसको ख़रीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दिए हैं वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। और जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि एक्सचेंज ऑफर्स के बारे में भी मैं पूरी जानकारी दूंगा, तो जब आप अमेज़ॉन पे जाएंगे फ्रिज को ख़रीदने के लिए तो एक्सचेंज ऑफर का यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा, तो विद एक्सचेंज को आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो 4,500 तक का कंपनी आपको डिस्काउंट देगी। आपके फ्रिज के मॉडल पर डिपेंड करती है अमाउंट, तो यहाँ पर आप अपने पुराने फ्रिज की डिटेल्स डाल सकते हैं, जैसे कि कंपनी और डबल डोर सिंगल डोर जो भी साइज़ है, जितने लीटर का वो आप डाल सकते हैं। कोई भी फ्रिज जो आपका है वर्किंग कंडीशन में ही होना चाहिए, तभी उसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। और ये यहाँ पर दिखा रहा है मुझे 2660 रुपये के करीब इसकी एक्सचेंज वैल्यू है। एक्सचेंज सर्विस फीस 100 रुपीज़ की होती है, तो जो एक्सचेंज ऑफर में आप पुराना फ्रिज देंगे उसमें से 100 रुपीज़ लेस करके ये लोग आपको देते हैं, यानी कि 2,500 रुपये के करीब में ये जाएगा। तो इसी को अगर आप अप्लाई करेंगे ये कॉस्ट आपके फाइनल प्राइस में से घट जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं सिर्फ 22,000 रुपये आपको पे करने। इस तरीके से पुराने फ्रिज को आप एक्सचेंज ऑफर में देके काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट पा सकते हैं, क्योंकि पुराने फ्रिज को ज़्यादा कोई पैसे नहीं देता, कबाड़ी भी 100-200 रुपये भी नहीं दिखाते, बल्कि कई बार तो उठाने के ही पैसे मांगते हैं। लेकिन एक्चुअली फ्रिज की सच में वैल्यू होती है, अगर आप सही जगह पे उसको सेल करेंगे तो आपको ठीक ठाक पैसे उसके मिल जाएंगे। और ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि अमेज़ॉन पे इस तरह का एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है, क्योंकि कई मॉल्स में भी मैंने पता करे थे फ्रिजेस, उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा थी और एक्सचेंज ऑफर में मेरा पुराना फ्रिज भी वो नहीं ले रहे थे। अमेज़ॉन से फ्रिज वॉशिंग मशीन इस तरह की बड़ी चीज़ ऑर्डर करने पे आपको ओपन बॉक्स इंस्पेक्शन की फैसिलिटी भी मिलती है। इसका मतलब ये होता है कि बॉक्स को आप अपने सामने डिलीवरी बॉय से खुलवा सकते हैं, ताकि कोई भी स्क्रैचेस कोई भी डेंट्स हों तो आप साथ साथ देख के वापस करवा पाए, और अगर ऐसा कोई भी केस होता है आपको रिफंड या रिप्लेसमेंट मिल जाता है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट से ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे।